हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, जब एक विद्यालय में सभी छात्रों को 54 छात्रों की पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो 30 पंक्तियां बनती है, यदि इन्हें 45 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाए तो ऐसी कितनी पंक्तियां बनेगी। सबसे पहले तो इसमें हमको बच्चे नहीं दे रखे कितने बच्चे हैं, हम मान लेते हैं एक्स बच्चों को, कितना माना बच्चे, बच्चे कितने हैं एक्स, एक्स बच्चों को 54 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़ा किया जाता है तो कितनी वो बनती है, 30 पंक्तियां बनती है। तो एक्स बच्चे को 54 छात्रों वाली पंक्तियों में खड़े करे तो इतनी पंक्तियां बनती है। देखो अब बच्चे निकालते हैं टोटल, तो इतने तो एक पंक्ति में छात्र है, 54 तो क्या है एक पंक्ति में छात्र है, और 30 पंक्तियां बनानी है तो हम क्या करेंगे, 54 और 30 की गुणा करेंगे, हमारे पास क्या निकल के आ जाएंगे, टोटल छात्र निकल के आ जाएंगे। 3 × 12 = 3 × 5 = 15 = 16 1620 छात्र हो गए दोस्तों हमारे पास टोटल 1620 छात्र। अब ये क्या करेंगे, यदि उन्हें 45 छात्र वाली पंक्ति में खड़ा किया जाता है, यदि इनकी 45 छात्र की पंक्ति बनाई जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। तो इसके लिए सिंपल है, हम 1620 को क्या करेंगे 45 से भाग करेंगे, ठीक है 45 से भाग करेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 × 45, 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 5 × 4 = 20, इससे कट करेंगे 9 × 9 = 27 और 5 × 9 = 54, तो क्या बनेगा दोस्तों 36 पंक्तियां बनेगी, जो हमारा क्या आंसर है।